गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने एंड्रॉयड टीवी में या फिर स्मार्ट टीवी में किसी भी एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड टीवी हो गाइज, आप उसमें एकदम इजी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइज, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप करते हो तो आप सीरियसली किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की ओर। तो चलिए गाइज, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एंड वो क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज, आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल में एपडोट टीवी नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। गाइज, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कर आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ओटीजी को एंड पेनड्राइव को ले लेना है। अगर गाइज आपके पास पेनड्राइव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे कार्ड रीडर भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास फिलहाल तो कार्ड रीडर है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। गाइज, उसको कनेक्ट करने के बाद आपको ओटीजी को ऑन कर देना है। गाइज, ओटीजी को ऑन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है एंड इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एपीके, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड आपको यहाँ से एपडोट टीवी को कॉपी कर देना है। गाइज, एपडोट टीवी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे कार्ड रीडर में इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड कॉपी टू हियर, इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो गाइस, मेरे जो कार्ड रीडर है उसमें पेस्ट हो चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो एपडोट टीवी एपीके यहाँ पर आ चुके हैं। गाइस, उस एप्लीकेशन को इसमें डालने के बाद इसको एंड्रॉयड टीवी के पीछे कनेक्ट कर देना होगा। चलिए गाइस, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। गाइज, टीवी के पीछे कार्ड रीडर कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। गाइज, इसमें जाने के बाद अभी आप देख सकते हो जो कार्ड रीडर है वो कनेक्ट हो चुका है या फिर लिख कर आ चुका है यूएसबी स्टोरेज, उसके बाद इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद अभी मैं इसको ढूंढता हूँ फाइल कहाँ पे सेव हो चुके हैं। गाइज, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एपडोट टीवी एपीके यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे मूव कर देता हूँ, यहाँ पर मूव पर क्लिक कर एंड इस पर क्लिक करने के बाद मैं बैक चले जाता हूँ डाउनलोड से एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। गाइज, अभी आप देख सकते हो जो एपीके फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज, अभी आप देख सकते हो जो एपडोट टीवी वो इंस्टॉल हो चुके हैं, उसके बाद मैं डन कर देता हूँ। गाइज, बैक आने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना है सेटिंग में, इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देना होगा। सेटिंग में जाने के बाद मैं नेटवर्क पर क्लिक कर देता हूँ एंड वायरलेस कनेक्शन में चले जाता हूँ एंड गाइज इसको ऑन कर देता हूँ। गाइज, अभी आप देख सकते हो मेरा जो वाईफाई है वो आ चुका है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ पासवर्ड एंटर करके। यहाँ पर मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। अभी आप देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद गाइज, आपको एपडोट टीवी में चले जाना है, अभी इंस्टॉल हो चुके हैं आप देख सकते हो। गाइज, इसमें जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। गाइज, आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं एक आपको एप्लीकेशन कौन सा भी डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। गाइज, अभी मैं आपको जियो टीवी को इंस्टॉल कर दिखा देता हूँ। चलिए गाइज, इसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना होगा। गाइज, अभी आप देख सकते हो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। गाइज, अभी आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है एंड फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ।
गाइज अभी आप देख सकते हो जियो टीवी इंस्टॉल हो चुके हैं एंड इसे मैं ओपन कर देता हूँ। बैक चले जाता हूँ सबसे पहले एंड अभी आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन भी कर सकते हो। अगर गाइज आप अपने टीवी में जियो टीवी चलाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी एंड आई बटन पर भी ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करना। चलिए गाइज अभी मैं आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। गाइज मैं आपको अभी मोज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिखा देता हूँ। अभी मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ। गाइज अभी आप देख सकते हो मोज एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। गाइज आप इस तरीके से अपने एंड्रॉयड टीवी में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लाइक कर देना गाइज वीडियो को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना। अगर गाइज आप अपने टीवी में जूम मीटिंग को चलाना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो एंड देख सकते हो इस वीडियो को। गाइज गुड बाय।